अरे बस कर, अब क्या ऊपर लेके जाएंगे ओए? भाई झरना तो इतना प्यारा गिर रहा है, ऊपर देखते भी और भयंकर झरना होगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की मॉर्निंग तो कुछ ज्यादा ही गुड हुई है, मौसम से भी और तबीयत से भी। तबीयत पहले से कुछ बेटर लग रही है, बस ये कफ थोड़ा सा शांत हो जाए बस सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद जुकाम हल्का फुल्का है ही है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन कफ से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि कफ में ज्यादा जोर लगाना पड़ता था खांसने के लिए। तो फिलहाल तो कुछ बेटर लग रहा है पहले से। और मैं आजकल कभी भी स्टूडियो से गुड मॉर्निंग नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टूडियो का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल उतना वो नहीं है, बेटर नहीं है। लेकिन ऊपर देखो कितना अच्छा मौसम है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, पीछे चिड़िया चहचहा रही है। इसलिए यहाँ से आगे गुड मॉर्निंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत प्यारा होता है, और यहाँ से जो रियल वाली गुड होती है वो गुड मॉर्निंग होती है। अरे भाई अब कम चिल्ला ले चिड़िया यार, थोड़ी मेरे को ही बोलने दे, पूरा वही बोले जा रहा है। तो यहाँ से चिड़ियों की आवाज़ आती है क्लियर, और यहाँ का जो मौसम है वो तो बहुत प्यारा है ही है। आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अरावली पर्वत की तरफ जाऊँ और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूँ कि बारिश के बाद कैसा लगता है। लेकिन समस्या ये है ना कि उधर बंद कर रखा अभी, और कल परसों में उधर एक कुंड में डूबने से एक की डेथ भी हो गई है। तो शायद ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दिया होगा या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया होगा, देखूँगा जाके। अगर कोई फ्रेंड मिला इस प्रकार का कि चलो भाई घूम के आते हैं तो जाए, फिर तो जाऊँगा ही। लेकिन फिलहाल तो ये देखो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये देखो आज कितने बड़े हो गए, कल कितने छोटे थे, आज कितने बड़े हो गए। ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, और ये भी बड़ा हो गया। इसमें पता नहीं पापा ने क्या लगाया, लगाया भी है कि नहीं लगाया, उगा नहीं अभी तक। तो पैसे रख पर्स में, चलो एक ही नोट बचा हुआ मेरे पास खर्चे के लिए। अगर कोई चाहे मुझे पैसा देना तो मेरे को फोन पे कर सकता है, मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए शायद। खाना आ गया, फिलहाल आज खाने में रोटी और सब्जी है, जबकि आज नाग पंचमी है, कुछ स्पेशल होना चाहिए था। रात को होगा, अब वो रात को होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आज नाग पंचमी है। ये देखो इसको बैग वैग टांग के आया, पता नहीं किसको एड्रेस बता रहा। बैग टांग के क्यों आया तू? डिग्गी थी ना अपने पास, चला मैं चलाऊंगी। हाँ थोड़ा पीछे का ब्रेक है ना उसका, हार्ड है, संभल के मारना। सीता माता चला है या फिर? यार सीता माता ज्यादा दूर पड़ जाता है यार, ऐसे गाड़ी खींची जाती है जब खराब हो जाती है। तो भीड़ लग रही है सर, मौसम मस्त है इस चक्कर में। ज्यादा ठंडा पानी है ना यार, ला मैं पीऊंगा पहले, मेरे को प्यास लगी है। अभी तो रास्ता कितना दूर हो रहा है भाई? आ गए बस पास में, 6 किलोमीटर तो पर आ गए घर से। क्या ब्यूटी है यार, उत्तराखंड से कम नहीं है हम लोग, उत्तराखंड के बराबर ही हमारे यहाँ की सुंदरता। फोरन दे चल, ए बकरियों हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सारे सारे हट जाओ, जल्दी से हट जाओ। ये यहाँ का कुंड नहाने का, और ये रहा झरना, तो हम जा रहे हैं इससे भी बड़े झरने की तरफ। ये बहुत डेंजर है भाई, कितना क्लीन पानी है यार देखो। वाह इधर भी आती है पब्लिक नहाने के लिए यार, क्या बात। कौन पे? अरे बंदर, बंदर भाई बंदर पत्थर मत देख इधर यार, ओ ये बंदर तो इधर बहुत सारे यार, काफी सारे बंदर, क्या बात है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिंद बाबा के मंदिर में शराब पीकर नहीं आए। ये सस्ता ट्रेकर जा रहा है ट्रेकिंग करता हुआ, जिसने सैंडल भी ढंग से नहीं पहना, गिर गया तो मुंह कान लाल हो जाएगा उसका। ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हम और ऊपर तक जाने की सोच रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत अंदर आ गए, अब ये इससे भी अंदर जाने के लिए बोल रहा है। पता नहीं कहाँ पे है वो जगह जहाँ नहाते लोग, भाई मुझे तो डर लग रहा है, थोड़ा सा संभल संभल चलना पड़ेगा। गणेश मेरे भाई आ रहा हूँ मैं, संभाल लियो। हम लोग जंगल में बहुत अंदर की तरफ आ गए, यहाँ पे शायद कोई दिखे नहीं हमारे अलावा, ये हमारा हमेशा था, हम हमेशा लोगों से हटके चलते हैं। ट्रेकिंग का तो तजुर्बा मेरे को बहुत है, बस ट्रेकिंग का मौका नहीं मिलता मुझे। पानी कितना साफ सुथरा है यार, बस इस पानी में ना सबसे डर होता है सांप का, इन पानियों में सांप बहुत होते हैं यार। रास्ता कहाँ है ये? चल पथ प्रदर्शित करो, जंगल में से जाओ फिर मैं आऊंगा। केकड़े तो खा जाऊंगा मैं, केकड़े की टेंशन नहीं है भाई। यहाँ पे तो काई लग रही, कैसे आऊँ मैं बहुत रिस्क लेके ना यहाँ पे शॉट ले रहा हूँ सर, बहुत रिस्क है, लेकिन क्या करूँ, अब आप लोगों को दिखाना है तो रिस्क को लेना ही पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं
आराम से निकलता हूँ। और वाह यार, है ना, काफी आपको दिखाता हूँ। फोन दे मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या देखने आए थे। दिख रहा है जंगल के बीच में से? नहीं दिख रहा, अभी दिखाते आपको। मजा आ गया यार गणेश। ऊपर कहाँ जाएगा अब? जगह कहाँ है साले? क्या मेन वर्सेस वाइल्ड समझ रखा है क्या? चढ़ जाएंगे कहीं भी? नहीं नहीं ऊपर नहीं जाएंगे अब। नहीं 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 जाएंगे अब, यही ठीक है। लाखों टन पानी और हम बाहर से एक बोतल पानी खरीद के रहा है। लगी अरे काटो, काटा 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 काटा, मजा आ गया यार। कितना पेना है देख, लग गए। ज्यादा है, मुझे आके फिलहाल तो हम लोगों ने वहाँ पे नहाया उस झरने पे, फिर इस झरने पे आके नहाने के लिए अब यहाँ भी मजा नहीं आ रहा। अब जाएंगे बड़े वाले झरने पे जहाँ कूदने का है, डेप्थ है वहाँ पे कूदेंगे। क्योंकि जब तक कूदते नहीं ना, बॉडी में मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता यार जो फील हमें चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल कूदने के लिए है। चला गए वहाँ पे, वापस चलते हैं वहाँ जहाँ से हमने सफर स्टार्ट किया था। अभी एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई कि हम जहाँ झरने पे नहा रहे थे ना, वहाँ पे मैं अपना गमछा भूल गया, तो उसे लेने के लिए कौन गया? ये लेके आया और पहन लिया, उसने गीला भी कर दिया कर्म टोक ने।